Good afternoon, all of you. Can you hear me? We can start. Please reply in the question box. आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है? प्लीज रिप्लाई मिस्टर धीरज, मिस्टर आदित्य, मिस्टर पीवी मूर्ति, आवाज आ रही है? सो निफ्टी के पुट में पैसा आया। मैंने आपको मॉर्निंग में क्या बोला था, 18200 का स्ट्रैडल किसी ने सेल किया, ज्यादा बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट मत करना। यस और नो? हैव आई टोल्ड दिस? बोला था ये निफ्टी ट्रेडर डॉट इन वेबसाइट पे हम लोगों ने एनालिसिस किया था, याद है? मैंने आपको बताया था किसी बड़े प्लेयर ने स्ट्रैडल सेल किया है 18200 का, कितने लोगों को याद है? प्लीज रिप्लाई। 18200 का स्ट्रैडल मैंने आपको ये बताया था, प्लीज रिप्लाई, कितने लोगों को याद है? ये देखो ये, और पुट सेल जो करवाया उसमें प्रॉफिट आया होगा सबको? पुट सेल जो करवाया उसमें प्रॉफिट आया है? पी सेल ट्रेड दिया था ना मैंने, यस और नो? मिस्टर आदित्य, मिस्टर धीरज, पी सेल ट्रेड दिया था, यस और नो? पी सेल ट्रेड, पुट सेल ट्रेड निफ्टी का दिया था ना? हाँ, पी सेल ट्रेड दिया तो था। हाँ, उसमें प्रॉफिट आया होगा आपको। ये देखो ना, मैं मैसेज करता हूँ, एक सेकंड रुको। हाँ ये रहा, मिस्टर पीवी मूर्ति, आई होप आपने मैसेज पढ़ा होगा, राइट? पढ़ा था ना मैसेज? ये देखो ना, इसमें प्रॉफिट आया होगा आपको। यस, फिर निफ्टी, मेरा पीएनएल, मेरा पीएनएल चलो देख लो, मेरा पीएनएल देख लो, मेरा पीएनएल मैं आपको बताता हूँ। नहीं, कैरी कुछ भी नहीं है, कैरी कोई ट्रेड नहीं है, ये सब इंट्राडे, कैरी कुछ भी नहीं है इसमें, कैरी में कुछ भी नहीं बता रहा। ये रहा मेरा आज का ट्रेड, दिखा? प्लीज रिप्लाई, दिख रहा है आज का इंट्राडे? यस, कल आपके सामने मैंने बुक किया था, अगर आपको याद है, 37,000 आज का इंट्राडे आप देख सकते हो, दिख रहा है? प्लीज रिप्लाई। करेक्ट? नहीं, अभी मेरा कोई पोजीशन ओपन नहीं है, कुछ भी ओपन नहीं, अभी मैं कल ट्रेड लूंगा, आज नहीं, आज कुछ नहीं लेने वाला। आज कुछ नहीं लूंगा, हो गया मेरा ट्रेड आज, अभी कल लूंगा। इन निफ्टी मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये सुपर ट्रेंड तक टेस्ट कर सकता है फिर निफ्टी, अगर जोर से गिरेगा तो फिर आ भी सकता है सेल, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एमएसडी सेल आया है। हाँ, ये तो मैंने आपको बोला भी था मिस्टर दिव्य नेवार, ये तो मैंने आपको पहले ही बोला था ना, यस और नो? 350-400 का मैंने तभी टारगेट दिया था, याद होगा? याद होगा ना, ये तो मैंने तभी टारगेट दे दिया था आपको। मजा आया इसमें? How many of you enjoyed this? Please reply. कितने लोगों को मजा आया? टारगेट कैसे डिसाइड किया? Oh my God, सर वरुण सोनी, आपको अभी तक नहीं समझा मिस्टर वरुण सोनी, मिस्टर वरुण सोनी, आपको अभी तक नहीं समझा मिस्टर वरुण सोनी,
मैसेज क्या देखो, अभी समझा मैसेज किया देखो बोले। सर वरुण सोनी, हाँ सर मनीष जमरे करेक्ट। एंड कौन है, कौन है, हम लोग ही है। हैव यू अंडरस्टूड सर, मनीष जमरे हम लोग ही है। यस करेक्ट, आई होप समझ। यस 350 400 तक है। एक और दूसरा भी मैं बताने वाला हूँ। यस दूसरा भी मैं आपको बताने वाला हूँ। निफ्टी का क्या, साइडवेज ही लग रहा है निफ्टी तो मुझे, इस बार के लिए ज्यादा मूवमेंट नहीं लग रहा है, साइडवेज ही लग रहा है, ज्यादा मूवमेंट नहीं लग रहा मुझे। अभी कुछ कुछ स्टॉक्स मैंने बाय और सेल नोट डाउन किया, अभी मैंने जस्ट मैं बैठा था तो नौकरी सेल आया है, इंडसइंड बैंक बाय आया है, आईसीआईसीआई बाय आया है, एसआरटी फाइनेंस बाय है, डीएलएफ सेल है, नेस्ले इंडस्ट्रीज सेल है, ये सब रेडार पे आए मेरे। ये सारे स्टॉक कुछ कुछ स्टॉक्स है जो बाय और सेल आए हैं अकॉर्डिंगली। ये देखो फिर निफ्टी गिरा, देखो फिर निफ्टी गिर रहा है, देखो सपोर्ट पे है, सुपर ट्रेंड सपोर्ट पे है, देखते हैं। सुपर ट्रेंड के सपोर्ट पे है ये, अगर ब्रेक करेगा तो जोर से जाएगा, नहीं ब्रेक करेगा तो खींच लेगा फिर निफ्टी, देखते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं मार्केट, मुझे निफ्टी तो स्ट्रांग लग रहा है, निफ्टी मैंने मॉर्निंग में बोल दिया था स्ट्रांग है, प्लीज रिप्लाई सबको याद है ना, निफ्टी मैंने आपको मॉर्निंग में बोल दिया था स्ट्रांग है, निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ल्यूमैक्स, एक सेकंड रुको, क्या मतलब इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, क्या क्या कर रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है, ट्रेडिंग के लिए देखना है, क्या चीज के लिए देखना है, ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, किसके लिए। डेली पे तो इन्वर्टेड हैमर बना रहा है, डेली पे तो इन्वर्टेड हैमर बना है इसने, ये देखो क्यों बाय कर रहे हो आप, क्या लॉजिक है, कुछ नहीं है, डेली पे तो इन्वर्टेड हैमर बना है, वीकली पे भी इन्वर्टेड हैमर बना है, बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए ये। हाँ सपोर्ट है लेकिन ये कैंडल तो देखो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए इसमें तो। ग्रासिम देखते हैं जरा, नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ग्रासिम अगर 1740 1750 ये लेवल निकलता है ना तो जाएगा ऊपर ही, ग्रासिम 1750 के आसपास का लेवल निकालता है ना तो जाएगा ऊपर ही, 1750 के आसपास का लेवल निकालेगा तो ग्रासिम चलेगा, वो मत बाय करो, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। ग्रासिम थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाए तो बाय करो, ऐसा है। नहीं थोड़ा सा वेट करो ना, 1720-30 क्रॉस करने दो, 1720-30 1720-30 का लेवल क्रॉस करने दो, उसके बाद अभी नहीं, थोड़ा सा वेट कर लो।
ये देखते हैं इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। देखो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, ये गिरेगा नहीं मुझे नहीं लग रहा। फिर निफ्टी मुझे नहीं लग रहा गिरेगा, बिकॉज यहाँ पे सुपर ट्रेंड का सपोर्ट भी है। ये कैंडल खींच लिया तो ऊपर जाएगा, कैंडल खींचेगा तो ऊपर जाएगा। वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। 250 के ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए फ्यूचर्स में, तो फिर ट्रेंड कंटिन्यू करेगा ऊपर का। निफ्टी 250 के ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए, ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू करेगा फिर। ऐसा है, ऊपर ऊपर के ट्रेंड के लिए 250 के ऊपर क्लोजिंग, 250 के ऊपर क्लोजिंग आएगा तो निकल जाएगा ये ऊपर। निफ्टी खींचेगा मुझे लग रहा है, अभी निफ्टी ऊपर की तरफ खींचना चाहिए, निफ्टी खींचेगा शायद। निफ्टी खींचना चाहिए मुझे लग रहा है, निफ्टी खींच सकता है ऊपर। ये देखो ना यहाँ पे सपोर्ट के आसपास है ये, अगर यहाँ पे कुछ कैंडल बना अच्छा तो फिर ये खींच लेगा। ये कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ तो बाय है, काइंडली नोट डाउन है। मिस्टर देवेनिवार, मिस्टर आदित्य, मिस्टर पीवी मूर्ति, ये कैंडल के हाई के ऊपर 260 के आसपास कहीं पे क्लोज हुआ तो बाय है निफ्टी। हाँ 260 के आसपास कहीं पे क्लोज हुआ, बाय है निफ्टी, उसके आसपास क्लोज होना चाहिए। सपोर्ट पे है ये, मुझे लग रहा है 3 बजे के कैंडल में खींचना चाहिए निफ्टी ऊपर की तरफ। देखते हैं ऊपर की तरफ खींचता है या नहीं खींचता है। सपोर्ट पे है ये, लेकिन फ्यूचर फ्यूचर लेवल 260 फ्यूचर लेवल, यस वो लेवल क्रॉस करेगा तो ऊपर जाएगा। फिर इसका वही 18,400 18,600, ये दो टारगेट है। मैंने एक मैसेज भी दिया हुआ है टारगेट का, राइट 18,400 18,600 वो टारगेट पॉसिबल है। काफी सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट भी आ रहा है निफ्टी 50 के स्टॉक्स में। निफ्टी यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए बस, 250 के ऊपर जाएगा ना तो खींच लेगा। खींचने दो खींचने दो, खींचेगा निफ्टी खींचेगा निफ्टी, 250 के ऊपर गया तो खींचेगा। ये 18,300 भी मार सकता है आज, लास्ट के 15-20 मिनट में पॉसिबल है। 18,300 भी मार सकता है अगर ये 250 क्रॉस किया तो। फ्यूचर्स फ्यूचर्स 250 क्रॉस किया ना तो 300 भी मार सकता है आज लास्ट के 15 मिनट में। तीन बज गया ऑलमोस्ट, 15 मिनट। फिर निफ्टी भी खींचा ना, फिर निफ्टी भी थोड़ा खींचेगा मुझे लग रहा है। 3 बज गया ना, क्लोजिंग में कुछ ना कुछ मोमेंट होता है फिर।
जिंदाल स्टील मैंने आपको बताया ना न्यूज, यस और नो? सबको मैंने बताया मॉर्निंग वेबिनार में, जिंदाल स्टील 700 750 का टारगेट, ये बोला मैंने आपको, यस और नो? जिंदाल स्टील पे ध्यान देना थोड़ा, उसमें बड़ा टारगेट आया मेरे पास। बड़ा टारगेट आया, यस, उसमें बड़ा टारगेट आया। हाँ इन्वेस्टमेंट, यस, ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बड़ा टारगेट आया। जिंदाल स्टील पे 700 से लेके 750, ये मेरा टारगेट, मतलब मेरे पास टारगेट आया है, और इन्वेस्टमेंट का टारगेट आया, ट्रेडिंग का नहीं, बहुत जल्दी नोट डाउन करके रखना है। यस, यस, बाइंग चालू कर सकते हैं। यस, मैं निफ्टी का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, ये जो ब्लू लाइन है ना, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होके स्टार्ट हो ना, तो निफ्टी खींचना चालू होगा। निफ्टी खींचेगा तो फिर निफ्टी भी रिकवर कर लेगा, ऐसा है, फिर बैंक निफ्टी भी रिकवर करेगा, फिर निफ्टी भी रिकवर करेगा। निफ्टी रिकवर नहीं करेगा तो फिर नहीं आएगा, ऐसा, ये देखो, फिर निफ्टी में तो आ गया है। विच इज बेटर, जेएसपीएल और टाटा स्टील? जेएसपीएल इज बेटर, जेएसपीएल इज बेटर, यस, उसमें तो वो डाउट ही नहीं है। जेएसपीएल बेटर है, यस, उसमें कोई डाउट नहीं। आईटी स्टॉक्स में बाइंग चालू हुआ, एचसीएल में, एचसीएल टेक में देखो बाइंग चालू हुआ है, आईटी स्टॉक्स में बाइंग चालू हुआ है, आईटी पे थोड़ा ध्यान दो, आईटी में बाइंग चालू हुआ है। ये देखो निफ्टी खींचना चालू हुआ, मैंने आपको क्या बोला, निफ्टी खींचेगा, देखो निफ्टी 250 क्रॉस किया ना, तो 300 भी मार सकता है लास्ट 15 मिनट में। 250 क्रॉस किया तो 300 भी मार सकता है लास्ट 15 मिनट में। निफ्टी का चार्ट ऐसा, बहुत शॉर्ट स्ट्रैप है निफ्टी में, मॉर्निंग से बहुत 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 लोग शॉर्ट करके बैठे हैं निफ्टी में मॉर्निंग से। क्रॉस करेगा तो जाएगा बाय एक्सपायरी, एक्सपायरी मुझे लग रहा है 585 570 के आसपास आए, 585 तक तो लग रहा है, 10 रुपए नीचे। उसका चार्ट बहुत साइडवेज है, साइडवेज चार्ट है एकदम। एकदम साइडवेज चार्ट है। मैं आपको बोलता हूँ, डोंट वरी मिस्टर देवेनिवार, डोंट, 245 निफ्टी, हाँ निफ्टी पे ध्यान दो, सिर्फ निफ्टी पे ध्यान दो, 245। निफ्टी चला देखो, मैंने आपको बोला ना निफ्टी चला, यस और नो? देखो निफ्टी चला 250, देखो निफ्टी चला, देखो
ये 18,300 भी मार सकता है। बहुत सारे लोग सुबह से शॉर्ट है निफ्टी में, मंदी करके बैठे हैं, तो ये बढ़िया 18,300 भी मार सकता है ये, ठीक है। ये देखो फिन निफ्टी भी रिकवरी करेगा, फिन निफ्टी भी, निफ्टी फिन निफ्टी ये दोनों मुझे पॉजिटिव लग रहा है क्लोजिंग में, मतलब लास्ट के 15 मिनट में थोड़ा बाउंस बैक कर देंगे ऐसा है। अच्छा एक फाइल भेज रहा हूँ देखो जरा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक ग्रुप में मैं फाइल भेज रहा हूँ, एक सेकंड, ये फाइल जाएगा क्या, एक सेकंड रुकना। दिखा प्लीज रिप्लाई, एक फाइल भेजा, फाइल मिला क्या मिस्टर दिवेनवार, कौन सा स्टॉक टॉप पे है उसमें, टॉप में कौन सा स्टॉक है उसमें, अपना स्टॉक है क्या टॉप में, उसमें कौन सा स्टॉक है, निफ्टी खींचेगा, निफ्टी मुझे लग रहा है ये 3 बजे के कैंडल के बाद स्पाइक मार देगा ऊपर में, ये निफ्टी में तो मतलब मंदी नहीं करना, निफ्टी में तेजी में रहो, निफ्टी में तेजी में ही रहना है, निफ्टी में मंदी करना ही नहीं है अपने। टू 260 के ऊपर क्लोज हुआ तो गैप अप है, 260 के ऊपर क्लोज हुआ तो कल गैप अप होगा ऐसा है। टू 260 के ऊपर गैप अप है, थोड़ा ध्यान देना गैप अप हो सकता है। इंडिया विक्स तो 14 के नीचे आ गया, वो माय गॉड क्या हो रहा है इंडिया विक्स को, 14 के नीचे। ऑप्शंस बायर के लिए तो ये मार्केट है ही नहीं, ऑप्शंस बायर तो खत्म हो जाएगा मुझे लग रहा है, 3-4 महीना ऑप्शंस बाइंग ट्रेडिंग बंद कर दो। इंडिया विक्स अगर 14 है ना तो 3-4 महीना ऑप्शंस बाइंग बंद कर दो, ऑप्शन सेलिंग पे ही ध्यान दो, मार्केट ही नहीं ऑप्शंस बायर्स का, इंडिया विक्स कम है मतलब ऑप्शन सेलर्स का मार्केट, ऑप्शन बायर का मार्केट नहीं है। ऑप्शन सेलिंग पे ही ध्यान देना है। उतना लग रहा है, उतना जा सकता है। ये 260 के ऊपर क्लोज देगा ना तो गैप अप है कल, फिर गैप अप खुलेगा। मैं 260 के लिए वेट कर रहा हूँ, 260 के आसपास कहीं पे क्लोज दे रहा है ना तो गैप अप खुलने के चांस है, फिर इसमें फिर गैप अप होके खुलेगा ऐसा ऐसा है। जाने दो ऊपर 14.01, 14 के आसपास इंडिया विक्स आ गया, मतलब टेकेम में भी बाइंग है, कोफोर्ज में भी बाइंग है, परसिस्टेंट में भी बाइंग है, पूरा आईटी सेक्टर में बाइंग आ रहा है, आईटी सेक्टर पे ध्यान दो, आईटी सेक्टर में बाइंग आ रहा है, कोफोर्ज टेकेम परसिस्टेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी, मेटल में भी बाइंग चालू हुआ, मेटल और आईटी दोनों लेके जाएंगे निफ्टी को ऊपर। ये दो सेक्टर ध्यान देना, मेटल और आईटी दोनों ऊपर लेके जाएंगे निफ्टी को।
दोनों लेके जा रहे हैं ऊपर 252, ये वो डे हाई, जेएसडब्ल्यू स्टील डे हाई 255, आर यू ऑल वाचिंग प्लीज रिप्लाई 255, 257 मान लाओ, कैन यू सी प्लीज रिप्लाई, मजा आ रहा है, आर यू ऑल एंजॉयिंग। 3 बजे देखो, 3 बजे का कैंडल, मैंने आपको बोला भी, देखो निफ्टी रिकवर करेगा, देखो निफ्टी रिकवर करेगा, 260 का हाई क्रॉस कर देगा, क्रॉस कर देगा 260 का हाई, कर देगा क्रॉस ये 260 का हाई। किया, क्रॉस किया, किया किया, कर देगा क्रॉस ये 258, मुझे लग रहा है 260 क्रॉस कर देगा, इजीली क्रॉस कर देगा ये, इजीली क्रॉस कर देगा ये। किया देखो स्पाइक, देखो क्या जोर से दिया, देखो टू से, ये एक एक ही स्पाइक में हाई क्रॉस करेगा, ये एक स्पाइक में हाई क्रॉस करेगा, टीसीएस में भी बाइंग मान लो, क्या बात है, टीसीएस में भी बाइंग है, टीसीएस भी आया रडार पे, छोड़ेगा नहीं, पक्की बात है, हाई मारेगा ये, टीसीएस भी बाइंग पे आ गया है, बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना, एक स्पाइक में हाई क्रॉस करेगा ही, और ये गैप अप है, फिर 260 के ऊपर क्लोज हुआ, गैप अप है, थोड़ा ध्यान रखना, कोई शॉर्ट पोजीशंस नहीं होना चाहिए आपका, परसिस्टेंट डे है, आया देखो अभी अभी एक स्पाइक में हाई क्रॉस करेगा ही, ये कैंडल का हाई ना, एक स्पाइक में हाई क्रॉस करेगा ही, टू फिफ्टी सेवन टू फिफ्टी एट ये देखो, ₹5 के लिए अटका हुआ है, 260 क्रॉस करेगा तो स्पाइक में आए क्रॉस करेगा, फिर जोर से 5 रुपए के लिए अटका हुआ है भाई। फोर स्टैकम धनाधन बास्केट बाइंग हो रहा है आईटी में, आईटी में बहुत बड़ा बास्केट बाइंग हो रहा है, माइंडट्री, कोफोर, स्टैकम, इंफोसिस, टीसीएस सब बाइंग है आईटी सेक्टर में, पूरा सेक्टर बाइंग है, बास्केट बाइंग हो रहा है पूरे सेक्टर में, माइंडट्री भी आया, पूरा सेक्टर में बास्केट बाइंग है आईटी में, आईटी पे ध्यान दो, आईटी पे ध्यान दो, पूरे सेक्टर में बास्केट बाइंग है। हाँ वो स्कैनर दिया हुआ है ना मैंने मिस्टर दिवेनिवार, स्कैनर मैंने दिया हुआ है ना, हाँ वही स्कैनर मैंने दूसरे लैपटॉप पे चालू किया हुआ है, हाँ वही स्कैनर मैंने दूसरे लैपटॉप पे चालू किया हुआ है, स्कैनर स्कैनर में देखो, स्कैनर में ये देखो 264, आर यू ऑल एंजॉयिंग प्लीज रिप्लाई, देखो फिन निफ्टी देख लो, ये देख लो एंड टेल मी आर यू ऑल एंजॉयिंग, देख लो यहाँ पे मैंने आपको बोला भी, पुट में देख लो, पुट सेलिंग ज्यादा हो रहा है, देखो ये स्टार्ट में मैंने बताया, वेबिनार स्टार्ट हुआ था अभी, और अभी आपको पुट में बुर्ज खलीफा दिख रहा है क्या, प्लीज रिप्लाई मिस्टर दिवे ने वार, पुट में बुर्ज खलीफा दिख रहा है 18200 में, 18200 में पुट में बुर्ज खलीफा दिखा गया, बड़ा बार दिख रहा है,
निफ्टी देखो, निफ्टी ओनली निफ्टी मान लो 266, अभी मैंने बोला हाई क्रॉस करेगा, यस और नो? 235 था तब मैंने बोला कि हाई क्रॉस करेगा ये, 235 था ना तब मैंने बोला हाई क्रॉस करेगा, यस और नो? प्लीज रिप्लाई। देख लो 270 मान लो, 270 निफ्टी। यस मिस्टर मुतुरमन, इट इज पॉसिबल, वी मे सी गैप अप ऑल्सो। यस गैप अप इज ऑल्सो पॉसिबल, जस्ट वेट वेट वन मिनट, जस्ट वेट वन मिनट, प्लीज रिप्लाई। कितने लोग स्कैनर यूज कर रहे हो, स्कैनर कितने लोग यूज कर रहे हैं? हाउ मेनी आर यूजिंग स्कैनर? हाँ तो उसमें देखो, ये देखो SRT फाइनेंस अभी थोड़ी देर पहले बाया आया था, क्या भाव में देखो, क्या भाव में बाया था SRT फाइनेंस? थोड़ी देर पहले मैंने बाय बोला भी था आपको लिस्ट में, 1340 का अभी प्राइस है। यस अभी प्राइस है 1340, 15 रुपए इंक्रीज हो गया अभी, जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला भी था SRT फाइनेंस बाय आया है। निफ्टी देख लो, निफ्टी गैप अप भी हो सकता है कल, पॉसिबल है, 18400 तक लग रहा है इजीली, इजीली 18400 तक लग रहा है। ठीक है, डेली पे तो MACD क्रॉसओवर है, एक मिनट रुको, डेली पे MACD क्रॉसओवर है, डेली पे देखते हैं ना, चलो देखते हैं, डेली पे अभी तक क्रॉसओवर है, करेक्ट, अभी तक क्रॉसओवर ही है। यस मिस्टर क्रॉसओवर है, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, चलो मैं आपको एक बहुत अच्छा लर्निंग पॉइंट बताता हूँ, ध्यान से देखना मिस्टर दिवेनिवार, ध्यान से देखना मेरा स्क्रीन, ध्यान से देखना, एक मिनट रुको, ध्यान से देखो, क्रॉसओवर हुआ है, ऐसा है, ऐसा है, बराबर है, ऐसा दिया और ये एज इट इज है, ऐसा सेटअप बना तो जोर से ऊपर जाएगा क्या? प्लीज रिप्लाई, क्योंकि सेल वाले भी डबल बाइंग करेंगे, समझ में आ रहा है? तो वो पॉसिबल है, दिख रहा है एग्जैक्टली, देखो ये देखो, ये देखो और एग्जैक्टली ये देखो, यहां पे सेल क्रॉसओवर हुआ है नो डाउट, लेकिन ब्लू वाला अगर नीचे से क्रॉसओवर बाइंग क्रॉसओवर दिया तो डबल स्पीड से ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा है मिस्टर दिवेनिवार? डबल स्पीड से ऊपर जाएगा ये, अगर ये बाइंग क्रॉसओवर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे बाइंग क्रॉसओवर देगा या नहीं देगा वो थोड़ा आपको एक दो दिन वेट करना पड़ेगा, करेक्ट, लेकिन अगर ये क्रॉसओवर दिया तो फिर डबल स्पीड से मतलब 200 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर जाएगा ये, ऐसा है, ये थोड़ा नोट डाउन करना, लर्निंग पॉइंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 270 आ गया निफ्टी, कितना क्लोजिंग, कितना करवाना है, कितना करवाना है क्लोजिंग? 300 बोला था क्या मैंने? 18300 बोला था क्या मैंने? 300 तक जा सकता है मिस्टर मनीष जमरे? 18300 बोला था क्या मैंने? थर्टी पॉइंट दूर है इंट्राडे टारगेट से, 273। आर यू ऑल वॉचिंग? प्लीज रिप्लाई, निफ्टी 273।
ये देखो यहां से ये कैंडल से मैं बाय बोल रहा हूँ आपको, ये रेड कैंडल जब फॉर्म होता तभी से मैं आपको बाय बोल रहा हूँ, यस और नो प्लीज रिप्लाई। याद है मैंने आपको बोला भी सपोर्ट है, यहां से बाउंस करेगा। निफ्टी देख लो सब सब शॉर्ट वाले साफ हो गए, सब शॉर्ट वाले भाग गए। अभी देखो सुबह से बोल रहा हूं निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी मत बेचना। सर फूड बेचा हुआ है, क्या करूं? फूड बेचा होल्ड हुआ है, होल्ड करो, होल्ड करो, फूड कैरी फूड कैरी, सेल कैरी। यस फूड सेल कैरी 18,350, 18,400 कल पॉसिबल है, गैप अप भी हो सकता है। मैं बोलो बताया ये सबके पास है ना, यस और नो मिस्टर दिवेनवार, सबने रखा है ना ये? हाँ हमारे लिए निफ्टी 50 स्टॉक है ना, निफ्टी 50 स्टॉक है ना मिस्टर दिवेनवार? 275 निफ्टी, 275 मिस्टर मनीष जमरे, मिस्टर वरुण सोनी पूरा रैली कैप्चर किया ही, पूरा रैली कैप्चर किया ही। 276 देखो डे हाई, देखो निफ्टी पूरा कैंडल कैप्चर किया। सुबह ही मैंने बोल दिया था निफ्टी स्ट्रांग है, यस और नो प्लीज रिप्लाई। कितने लोगों ने मॉर्निंग वेबिनार अटेंड किया था? मॉर्निंग में ही बोल दिया था निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी वीक है, निफ्टी स्ट्रांग है। तो सर कीर्ति दोषी बोला था या नहीं बोला था? निफ्टी स्ट्रांग है, पी भी सेल करवाया था मॉर्निंग में ही। मैसेज भी क्या था एकदम क्लियर नहीं है। कल गैप अप होने के चांसेस है, यस व्यू बुलिश है। 18,400 तक तो निफ्टी वन साइडेड लग रहा है, 18,400 तक वन साइडेड लग रहा है, 100-150 पॉइंट तो वन साइडेड लग रहा है, फिर वहां से समझेगा कि आगे व्यू क्या होता है, लेकिन 18,400 तक तो लग रहा है। यस एज ऑफ नाउ लग रहा है, कल को कुछ रिवर्सल होता है तो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, लेकिन एज ऑफ नाउ लग रहा है। यहाँ पे आप निफ्टी डेटा देख लो, ये देखो इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, खाली डेटा देखो और मुझे बताओ एग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रहा है, एग्रेसिव पुट राइटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है मिस्टर दिवेनवर? ये स्क्रीन देखो और मुझे बताओ क्या हो रहा है, एग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रहा है, एग्रेसिव पुट राइटिंग हो रहा है? नहीं मिस्टर अभिषेक सराडकर, मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा, फंड हाथ में रखो, मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा, बड़ा फंड हाथ में रखो, दूसरा स्टॉक मैं आपको बताऊंगा, बड़ा फंड रखो, लेकिन वो 100-200 क्वांटिटी बाय मत करना, बड़ा फंड रखो हाथ में। हाँ वो भी चल जाएगा मिस्टर देवेदेवार, सब सब हो जाएगा। पुट राइटिंग दिख रहा है कि कॉल राइटिंग दिख रहा है, पहले तो मुझे ये बताओ क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, क्या बेच के जाऊं?
सेल क्या करके जाऊं, कॉल सेल करके जाऊं कि पुट सेल करके जाऊं मैं, समझ में आ रहा है? 278 भी छाप देगा, ये छाप देगा 280 भी। इसको शॉर्ट ट्रैप मिल गया पोजीशन, इसको शॉर्ट ट्रैप पोजीशन मिल गया। ये देखो ना 278 भी छाप देगा, बोला ना देखो छाप देगा, 280 भी छापा, देखो ये देखो 280, अब भी 280 भी बोला, देखो Have you enjoyed today's webinar? मजा आया वेबिनार में मिस्टर वरुण सोनी? 284 निफ्टी मिस्टर मनीष जमरे, Have you enjoyed webinar? आपके सामने ये कैंडल में मैंने भाई बोला था, एकदम वेबिनार चालू होते ही यहाँ पे बोला मैंने, जाएगा ऊपर निफ्टी, ये कैंडल में मैंने भाई बोला था। ठीक है, कल सुबह मिलते हैं वही 9:30 बजे, और व्हाट्सएप पे थोड़ा एक्टिव रहना, कोई फर्दर ट्रेड कॉमोडिटीज वगैरह में रहेगा ना तो आई विल अपडेट यू। ठीक है, यस, हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू।